मैंने 36 जिन्नात और अलग अलग प्रकार के थे। 30 साल उसके बकाया था, हमने पूरा डेमो बनाया था उसका, जो जो जिन्नात उसके अंदर था, जिस जिस शक्ल में था, सांप की शक्ल में, बिच्छू की शक्ल में, चुपकली की शक्ल में, और इंसान की शक्ल में, घोरी शक्ल में, मुल्ला जी की शक्ल में, 36 डेमो बनाए थे बहुत बड़े। और अगर मुझे मालूम होता कि वो चीज़ शायद कभी भविष्य में काम आएगी तो मैं फ़ोटो ज़रूर आपको दिखाता कि उसमें अघोरी से लेके मुल्ला जी से लेके बहुत से जानवर थे उसके अंदर, मतलब जानवर की शक्ल में रहते लोग। कहाँ पर कहाँ आपको दिखे थे वो? उनसे बात करने से पता चलता है कि अंदर कितने, क्योंकि एक जिन्नात को पकड़ नहीं, तो आप फोटो कैसे खींचते हो उसका? नहीं फोटो नहीं खींचते उसका, वीडियो कैसे बनाते हो आप? वो नहीं बनाया था मुझे, कैसे दिखाते हो आप? वो आपको कैसे दिखाते हैं, हमने उसको मिट्टी के डेमो बनाए थे छोटे छोटे। अच्छा, मिट्टी के डेमो होते, चिकनी मिट्टी के, जैसे गड़े मिट्टी के वगैरह बनते हैं, उसका डेमो बनाया था, उसको दिखाया। और ऐसा होता है कि आप किसी भी पेशेंट को पकड़ते हो या आप किसी बात करते हो, तो अगर एक जिन्नात से आपकी गुफ्तगु हो गई या बातचीत हो गई या आपकी मीटिंग हो गई, आप तो यूँ मानो कि मीटिंग होगी, गुफ्तगु मेरे नॉन मुस्लिम भाई नहीं समझ पाएंगे इसलिए, अब मीटिंग हो गई और जब वो बोलना स्टार्ट करते तो वो सबको पता बता देता। अच्छा, वो सब कितने अंदर हैं, अच्छा। कब से हैं, कैसे हैं, किसके प्रकार? अच्छा, ये अभी आपने बताया था कि भाई जो कोई कुछ जिन्नात होते हैं जो पत्थर को फेंकते हैं और किसी लड़की ने उठा लिया तो वो समझ लूँ उनके हिसाब से। दोनों, इसमें दोनों है, लड़की अच्छा, भी लड़का भी है, लड़के जिन्नी भी फेंक सकती है। अच्छा, जिन्नी भी फेंक सकती है, ठीक है। मान लो किसी जिन ने फेंका और किसी मर्द ने उठा लिया, मर्द ने उठा लिया, हाँ, तो उसका क्या है? देखो अगर उसने उठा लिया और उसने उसके लिए फेंका तो वो उसमें फेंक सकता, कोई बड़ी बात नहीं। तो जिन मतलब जिन्नात जो है मर्द के ऊपर भी फिदा हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। अच्छा, तो अब वो मान लो फिदा हो गया, चलो वो उसने जिन ने फेंक दिया, उसने उठा लिया, अब कोई दूसरा ही पत्थर उसने उठा लिया, नहीं, तो ऐसा भी हो सकता है? अगर वो एक बार एक रीजन अंदर में ना तो दूसरे को उठाने नहीं देगा, नहीं उठाने देगा ये वाले मामले में। तो ये तीन तीन चार चार कैसे घुस जाते हैं? वो कैसे घुस जाते हैं? वो ऐसे घुसते हैं, वो घुसेड़े जाते हो चाहे वो होता है, वो कैसे? वो तो एक साथ ही बुलाए जाते हैं, जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि जो इनके जरिए जाते हैं, किनके? शमशानों में जो बैठे होते हैं, या मुल्ला जी मान लो, या कोई भी मान लो किसी मसलक के लोग हैं, वो लोग होते हैं, वो लोग भिजवाते हैं उनके अंदर। जैसे किसी व्यक्ति का पुतला बना लिया आटे का, डोरे का, कपड़े का, उसके अंदर आरपिन चुबाना, उसके अंदर सुइयाँ लगाना, उसके अंदर वो नींबू लगाना, ये गंदे अमल है सब ये। अच्छा। तो वो लोग उसके अंदर इसे गुजरते हैं, ये जो अंदर पसंद के आना, ये तो किसी को अंदर आने देगा ही नहीं। अच्छा। क्योंकि ये तो खुद पसंद करके आना अंदर, और वो एक साथ घुसे रहेगा, वो तो सब एक साथ ही आते अंदर। अच्छा। अब वो निकलेंगे कैसे? वो एक साथ निकलेंगे या एक एक करके निकलते हैं? एक एक करके निकलते हैं, क्योंकि तो उसमें मान ली किसी किसी के अंदर एक जिन्नात है या जिन्नात नहीं है, ठीक है, तो अब उसको निकालने में कितना समय लगेगा? मैंने अभी आप ये बात अभी तक आपने क्लियर नहीं करी है, कितना समय लगता है एक जिन्ने में निकलने में, और कितना समय लगेगा बहुत सारे जिन्ने एक से ज्यादा है तो? एक से ज्यादा सर, मैंने अभी आपको इसी बारे एक बात बताई कि उसके अकॉर्डिंग के प्रतीत है, एक दो अकॉर्डिंग है उसके अंदर, एक भी नहीं है। जैसे एक ही जिन्नात है और वो बहुत लंबे समय से उसके अंदर शरीर छोड़ना नहीं चाहता वो किसी भी हाल में, ठीक है। और एक ये कि कुछ दिनों में आया, दो चार पाँच दिन, दस दिन, महीने भर, तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा तीन दिन सात दिन में गायब। अच्छा। तीन दिन और सात दिन में गायब। अच्छा। नॉर्मल सा। और कोई किसी को साल भर हो गई, दो साल हो गई, पाँच साल हो गई, उसको कितना टाइम लगेगा? उसको लगेगा कम से कम 40 दिन। 40 दिन, दो चार पाँच साल हो गए। अच्छा, दो चार पाँच साल हो गए तो 40 दिन में काम हो जाएगा। और किसी का बचपन से ही घुसा हुआ है उसका? 4 महीने। वो जवानी हो गई? 4 महीने, 4 से 5 महीने, 5 महीने, 6 महीने, 6 महीने मान लो लास्ट है कि 6 महीने लास्ट है। तो ठीक है, ये इतनी बात हमने कर ली है और आपको भी समय ज़्यादा हो रहा है, आपको भी जाना है क्योंकि आपके कस्टमर का फ़ोन आ रहा है, पेशेंट का। और मैं ये जानना चाहता हूँ कि मान लीजिए किसी आपका किसी ने आपने किसी का इलाज किया और आपको लगे 7 दिन से 10 दिन लग गए, 15 दिन लग गए, महीना भर लग गया, उनका चार्ज क्या लगेगा? सर उनका चार्ज ये देखो नॉर्मल सा अगर है तो यूँ मानिए कम से कम जो रेंट है, क्योंकि उसके अंदर हम जो सामान मंगाते हैं अकॉर्डिंग, उसके लिए सबसे पहली चीज़ है कंपलसरी इतर, हाँ, ये जो सेंट या सुगंध, हिंदी सुगंध हो गई, सुगंध होती है, वो चीज़ कंपलसरी है, ठीक, और ठीक है। एक होती कलौंजी जो घरों में खाई जाती है, हाँ, तो एक नहीं, आप सिर्फ इतना बता दीजिए कितना बजट बैठता है उसके अंदर? बजट कितना बैठता है छोटे अमाउंट में, छोटे पेशेंट में या बड़े पेशेंट में? छोटे में, बड़े में, दोनों में बताइए। अच्छा, अगर बड़ा है 4 महीने 5 महीने वाला है, उसमें मान लो 1 लाख से 1.5 लाख रुपए तक। अच्छा, 1.5 से 2 लाख रुपए तक आ सकता है, 1.5 लाख के ऊपर ही आएगा उस टाइम। अच्छा, क्योंकि वो 4 महीने 5 महीने वो इलाज चलेगा कंटिन्यू। अच्छा, वो कंपलसरी उसका हो गया। ये छोटा जो है 40 दिन का,
इसमें नुमानी है कम से कम नहीं तो 50,000 रुपये के आसपास है। 40 दिन वाले में और एक हफ्ते वाले में, ये एक हफ्ते वाले में 11,000 रुपये। 11,000 रुपये और एक हफ्ता लगा दिया किसी ने, अब वो नहीं निकला जिन, ठीक है, फिर आप 40 दिन का अमल करेंगे। जी जी। वो 40 दिन भी लग गए और नहीं निकला जिन, फिर आप जो है 4 महीने का अमल करेंगे। अच्छा। तो 4 महीने में भी नहीं निकला जी जी। और जो मरीज के पैसे खर्चा हो चुके हैं तो उसका क्या होगा फिर? सर बिल्कुल अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है अल्हम्दुलिल्लाह। और ऐसा सवाल आप जैसे लोग अगर करते हैं तो शायद बाबा को चीड़ होती होगी। नहीं ऐसा होता है भाई, देखिए हमारे सब्सक्राइबर वीडियो देख रहे हैं, अच्छी बात है, इनमें से क्या पता किसी के साथ ऐसा मामला गुजर रहा हो। मुझे खुशी है आप जो वो जो है भाई, तो सोचेंगे ना कि यार 1-1.5 लाख रुपए खर्चा कर दिए और हमें कुछ भी फायदा नहीं हुआ, तो उसका कौन जिम्मेदार है फिर? उसका जिम्मेदार, बिल्कुल सही कहा। कि अच्छा आपने जो हमसे पूछा, मुझे बड़ा खुशी हो रही है चीज की। हमारा सिस्टम है, जैसे मान लो कुछ भाई हमसे पास इलाज कराना आता है, अब वो कहते हैं बाबा इलाज हो जाएगा, इसकी क्या गारंटी है? इसकी जी, जो आप कहना चाह रहे हैं मैं आपका सवाल बताऊं, ये काम हो गया, क्या गारंटी है इसकी? काम नहीं हुआ और पैसे चले गए, इसके बाद क्या होगा? जी हाँ, इसका अच्छी बात है। हम उनसे कहते हैं कि सर एक काम कीजिए, हम आपको अगर 40 दिन का टाइम बताते हैं तो आप हमसे सिर्फ 10 दिन काम कराइए, ठीक, और 10 दिन का अमाउंट दीजिए, ये जितने भी पैसे देने, चाहे वो 11,000 हो, चाहे वो 1.5 लाख रुपये हो, चाहे वो 50,000 हो, आपको किसी को भी एक बार में नहीं देने वो पैसे, कोई अमाउंट नहीं देना, पेशेंट सही हो जाए तो देना है। अच्छा अच्छा, तो देना वो पैसा, और वो भी कैसे? सबसे पहली चीज़ ये है कि छोटे से छोटा मामला है, अगर वो हम आपसे पहली बार में सामान मंगाएंगे, वो सामान आया कुछ का सामान आता है, जिससे हम प्रकार का काम करना स्टार्ट करेंगे। यदि मान लो हमने 11,000 का, तो आप हमें उसमें से आप हमें देंगे 5,000 रुपये, समझना मेरी बात। आप हमसे 3 दिन काम कराइए, कितने दिन? 3 दिन। 3 दिन छोटे वाले में, 3 दिन, 5 दिन, 10 दिन आप हमसे काम कराइए। अगर आपको एक रत्ती भी फायदा लगता है तो आप आगे काम कराइए, वरना काम को वहीं क्लोज कर दीजिए। अच्छा। ठीक है, ताकि सिर्फ आपके सामान के पैसे लगे। अभी जो हमारी फीस ऊपर की 6,000 रुपये बचे हैं, वो फीस हम आपसे नहीं लेंगे। अच्छा। सामान जो आएगा वो पेशेंट के काम में आएगा, वो सामान भी हम लेके जाएंगे। अच्छा। समझ गए। अगर लगता है पेशेंट को, उसके घर वालों को, कि सर सामान मंगा लिया, ये मंगा लिया और हमारे पेशेंट को फायदा नहीं हुआ, ऐसा हो सकता है? कोई बड़ी बात नहीं है। देखो तो हम ये कहना चाहेंगे कि सबसे कहते हैं हम ये बात, अभी नहीं कह रहे कि आप हमसे इलाज कराना जब शुरू करें तो आप अपने पेशेंट में अगर 1% भी फायदा देखते हैं 2 दिन में 3 दिन में, क्यों ऐसा होता है मैं आपको बताऊँ। छोटा पेशेंट तो 5 मिनट में बोल जाता है, ठीक, उससे बड़ा पेशेंट है वो 1-2 दिन लगाएगा, बड़े से बड़ा पेशेंट है जो चौथे दिन में तो बोल ही जाएगा, चाहे 4 महीने का हो, चाहे 4 महीने का वाला भी हो ना 5 महीना वो, क्योंकि बड़े जिन्नात और बड़े शयातीन होते हैं तो बड़ी उनकी पावर होती है और बड़ी वो जानदार रहते हैं, क्योंकि वो इंसान ही आदम जाते खून पीते हैं अंदर और वो ताकतवर हो जाते हैं, तो रुकिए पढ़ने पर भी उन पर असर नहीं होता, 1-2 दिन में तो वो इग्नोर कर देते हैं चीज़ को, ठीक है। तो उसको हम ये कहते हैं कि देखो अगर आपको लगता है फीलिंग, ऐसा नहीं कि अब अंधविश्वास में हमने 1.5 महीना बता दिया आपको, या हमने 1.5 लाख रुपये बता दिया आपको, जो पैसे बता दिए तो आप खाली अंधविश्वास में चले जाओ, नहीं नहीं, आप रीज़न देखें फ़ायदा हो रहा है नहीं हो रहा है, आप उसको अगले सलीम को लगाइए, आप अपने पैसे लगा रहे हैं, हमें आप पैसे दे रहे हैं, तो आप उसका फ़ायदा देखिए। अगर आपको फ़ायदा होता है तो आप आगे काम बढ़ाओ, नहीं तो वहीं ब्लॉक कर दो काम। अच्छा। ये हमारा खुला काम है, हम उन लोगों में से नहीं है कि डायरेक्ट सारे पैसे दे दो और आपका काम ये हो जाएगा, फायदा नहीं होता। तो वो अभी आप बता रहे सामान जैसे जो आ गया है, तो सामान काम तो हुआ नहीं जैसे, ठीक है, अब सामने वाले काम करवाना नहीं है, अब सामान क्या आप ले सकते हैं या आप वापस भिजवा सकते हैं? सामान जो है, अगर पेशेंट चाहता है, पेशेंट चाहता है कि सर ये सामान आप भी ले लें, ये सामान आप ही ले लें, तो सामान हम पहले ही इतना कम मंगाते हैं, कोशिश करते हैं। और सामान क्या होता है, एक होता है तेल जो हम खुद ही बनाते हैं, एक होता है ईतर, एक होती है कलौंजी, एक होते हैं बेरी के पत्ते और एक पानी की बोतल, ये नॉर्मल सामान। लेकिन इसमें जो महंगा चीज़ है, एक तेल और एक ईदर, बस, बाकी पत्ते फ्री में, कलौंजी 10 रुपये की और एक पानी की बोतल, ये 3 चीज़ फ्री की मान लो। अब वो जो तेल जो आप बनाते हैं तो वो तेल तो आप वापस ले सकते हैं ना फिर तो? हाँ देखो सर, वो चीज़ ऐसी है कि हमें पहले देखना पड़ता है, जो आप कह रहे हो ना, मैं समझ गया आपकी बात, भाई हम ले सकते हैं। नहीं, मैं कह नहीं रहा हूँ, वो कमेंट में भाई हमसे कमेंट में पूछा जाएगा, ये बात पूछी जाएगी हमसे, तो आप हम कह रहे हैं जो कमेंट में पूछी जाएगी वो हम ही पूछ रहे हैं।
जी वापिस ले लेंगे आप, बिल्कुल लिया जाएगा सामान। तो इसका मतलब अगर मान लो कोई अगर एक हफ्ते का आप कोई आप बता तो एक हफ्ते में काम हो जाएगा तो आप ज्यादा 3 दिन का सामान मंगवाएंगे उससे? हाँ नॉर्मल सर। 3 आपने बताया 11,000 रुपये एक हफ्ते वाले अमल में 11,000 रुपये, उसमें आप 5,000 रुपये मान लो किसी ने दे दिया आपको, अब 3 दिन तक वो देख रहा है भाई 3 दिन में कोई फायदा नहीं दिख रहा है, तो अब 5,000 रुपये जो खर्चा कर चुका है तो अब 3 दिन में मान लो उसने तेल वेल आपका लगा लिया और उसने जो भी आपने दवा दी उसको वो सब उसने यूज़ कर ली है, तो उसने दवा यूज़ करी है आपकी मान लो 3 दिन की, अब कितनी हो गई भाई? आपने दवा जब दोगे तो वो दवा तो आपकी एक हफ्ते की होगी ना पूरी? अब उसने 3 दिन में यानी आधी दवा उसने खुद ही इस्तेमाल कर ली, आधे बचे यानी कि 2500 रुपये, अब 2500 रुपये की दवा बच रही है, सामान जितना बचेगा उसके पैसे उसको वापस मिलेंगे। अच्छा, वो पैसा जो यूज हो गया वो तो गया, वो तो गया, जो यूज हो गया वो तो, लेकिन जो भी सामान बचेगा जितने भी चीज का बचेगा मान लो आधा हमने उसको दिया तो आधा अगर सामान बचेगा तो आधा रिटर्न करके आप वापस ले लोगे? रिटर्न, हाँ बिल्कुल। हाँ तो भाई देखिए भाई ये हमारे जो है इनायत भाई हैं, ये रामगंज के अंदर इनका भाई बहुत अच्छा काम है, ये मतलब कि ये भूत प्रेत वगैरह जिसको बोलते हैं लोग, हालांकि होता वो जिन्नात है, ठीक है भाई, लोग इसको क्या कहते हैं भूत का नाम देते हैं, भूत प्रेत चुड़ैल है और बहुत सारी चीज़ों का नाम देते हैं, लेकिन ये रियलिटी में क्या होता है, ये भाई जिन्नात होते हैं जो अल्लाह ताला ने कुरान के अंदर भी इसका जिक्र किया है, हमने महज मतलब जिन्नातों और इंसानों को महज अपनी इबादत के लिए पैदा किया है, तो भाई जिस तरीके से हम इंसान लोग हैं फैले हुए हैं हर जगह, इसी तरीके से जिन्नात भी हर जगह फैले हुए हैं भाई, तो उनकी एक दुनिया इसी दुनिया के अंदर ही है भाई, हम ये ना समझें कि उनकी दुनिया अलग है, वो हमारी आंखों से ओझल है यानी कि हमको दिखते नहीं है, लेकिन वो हमारे साथ साथ ही इसी दुनिया में भाई वो पनप रहे हैं, हम पनपते हैं जैसे हम पनप रहे हैं ऐसे वो भी पनप रहे हैं, तो इसलिए भाई वो जो है इन्होंने बताया कि उनके कई तरीके हैं इंसानों के अंदर प्रवेश करने के, तो भाई वो कैसे कैसे प्रवेश करते हैं, जैसे कि एक तो बताया भाई ने इनायत भाई ने बताया कि पत्थर फेंक के वो मतलब किसी के किसी पे कब्जा कर लेते हैं, यानी कि पत्थर फेंका जिन्नात ने, आप किसी लड़की को वो पत्थर भाई दिख गया उसने उठा लिया, भाई बहुत सी लड़कियाँ होती हैं कि खेलने के लिए पत्थर को उठा लेती हैं, अब मान लो उसने उठा लिया तो वो जिन्नात जो है उस बकौल उसके मतलब कि जिन्नातों के बकौल इन्हें जिन्नातों से बात करी है, अब इनका कहना मतलब है जिन्नात ने इनको बताया कि पत्थर जो है फेंका या हम फेंकते हैं और ये जो लड़की कोई उठा लेती है तो वो मेरे हिसाब से हमारी शरीयत उनके जो अलग एक कानून है उनका, तो उनके कानून के रूल्स के हिसाब से उससे इनका क्या हो गया निकाह हो, जैसे हमारे यहाँ निकाह हो जाता है शादी बरात वगैरह हो जाती है, इसी तरीके से वो उन पर जो है भाई हक हो जाता है, जैसे